अब हो रहा है सर सर तो तो इसको फिर मैं दोबारा आपको बता देता देता रिपीट कर दे तो प्रोडक्ट में हम भी नहीं बस आप समझ आ चले ठीक है अच्छा अब आज ये उसके बाद अब आप अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन आप निकालते हैं जब भी आपको कुछ इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज निकालनी होगी तो वो आप प्रोडक्ट रूल से निकालेंगे तो अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन है तो उसके लिए तो हमने देख लिया प्रोडक्ट रूल हम किस तरह लिखेंगे अब अगर इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं एक्सटेंशन करते हैं प्रोडक्ट रूल की फॉर थ्री सेट्स ए बी सी तो हम जो है थ्री सेट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम किस तरह लिखेंगे तो इसमें अगर फर्ज करें कि पहले आपको बता रहे की इवेंट ए हुआ है फिर उसके बाद आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि अगर ए हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो ये ए की प्रोबेबिलिटी आपने पहले ली फिर उसके बाद बी गिवन दट ए इसकी प्रोबेबिलिटी से आपने इसको मल्टीप्लाई किया फिर आप जब तीसरे इवेंट पे जा रहे हैं तो उससे पहले ये दोनों इवेंट हो चुके हैं ए और बी तो फिर उसके बाद जब हम सी की कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें हम लिखेंगे सी गिवन दैट ए एंड बी हैजपन बिफोर सी तो ए और बी सी के होने से पहले हो चुके हैं तो यहाँ पे हम लेंगे ए और बी इनका इंटरसेक्शन क्योंकि ये जो है सी के होने से पहले ही हो चुके हैं ये गिवन दैट है ठीक है तो जैसे अब अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने ली ये पहले हो चुका है और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन दैट ए इंटरसेक्शन बी इससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया और खुद ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इसमें ए क्योंकि पहले हो रहा है तो अगेन इसके ऊपर अगर आप प्रोडक्ट लगाए दो सेट वाला तो इसमें यह होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए ठीक है ना तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जैसे आपने पहले देखा पहले ए हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी ली फिर बी गिवन दैट ए तो उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया फिर सी गिवन दैट ए एंड बी तो फिर सी गिवन दैट ए एंड बी इस दी प्रोबेबिलिटी से आपने मल्टीप्लाई किया अगर चार सेट हो पांच हो जितने भी आप इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं तो अगर जनरली मैं ए वन ए टू ए थ्री की फॉर्म में लिखूं क्योंकि इस तरह जो आपके इंडेक्सीज हैं उनसे समझना आसान होगा तो इसमें पहले जैसे ए वन हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी से हमने मल्टीप्लाई किया फिर उसके बाद हम हैं कि A2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्री से मल्टीप्लाई किया गिवन दैट ए वन इंटरसेक्शन ए टू ठीक है तो तीन सेट्स हो उन या तीन से ज्यादा हो तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके लिए जो प्रोडक्ट बोले आप इस तरीके से जो है वो एक्सटेंड करके लिख लेंगे आप जैसे एक एग्जाम्पल करवाता हूँ जिसमें तीन सेट्स आपके पास है ये कार्ड्स की एग्जाम्पल है तो कार्ड जो है आपको पता है कि उसमें 52 कार्ड्स होते हैं तो आप थ्री कार्ड्स ड्रॉ करते हैं इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट आप रिप्लेस नहीं करते एक कार्ड ड्रॉ किया फिर दूसरा क्या फिर तीसरा आपने ड्रॉ किया तो जब आप पहला कार्ड ड्रॉ करेंगे टोटल फिफ्टी कार्ड्स होंगे फिर दूसरा कार्ड ड्रा करेंगे एक कार्ड कम हो जाएगा फिफ्टी होंगे तीसरा ड्रॉ करेंगे एक कार्ड और कम हो जाएगा फिफ्टी होंगे तो अब इसमें फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दर्स्ट कार्ड इज ए रेड किंग तो हम ये इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं A1 है के ए वन है कि फर्स्ट कार्ड इज ए रेड किंग और दी सेकंड कार्ड इज ए सिक्स और ए जैक तो ये ए टू है कि जो सेकंड कार्ड है आपके पास या तो वो सिक्स हो या जैक हो और थर्ड कार्ड इज ग्रेटर देन फोर बट लेस देन नाइन तो ये तीसरा इवेंट है कि ए थ्री के जो थर्ड कार्ड है वो ग्रेटर देन फोर हो लेस देन नाइन हो ठीक है तो ये आपने तीन इवेंट्स डिफाइन कर दिए आपने मालूम क्या करना है आपने ये मालूम करना है कि ये जो तीनों इवेंट्स है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है क्योंकि ये एंड हम इनको कर रहे हैं जब भी हम एंड करते हैं इंग्लिश में तो सेट थ्योरी में वो चीज ट्रांसलेट होती है इंटरसेक्शन में ठीक है तो हमने ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये हम प्रोडक्ट रूल से निकालेंगे तो इसमें ए वन पहले हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एवन किसान निकालें कितने आपके पास रेड किंग होते हैं दो रेड किंग होते हैं आउट ऑफ फिफ्टी टू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा टू डिडेड बाई फिफ्टी टू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन है फिर आ जाए अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू दैट ए वन आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है ये डिपेंड करेगा कि पहला कार्ड क्या था तो ए टू गिवन दैट ए वन तो अब इसके अंदर आप आप क्योंकि एक कार्ड निकाल चुके हैं रिप्लेस नहीं किया तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है वो आपके पास कार्ड हैिटी लिखा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट अच्छा अब ए टू क्या था कि सेकंड कार्ड आपके पास सिक्स हो या जैक हो तो अब कितने सिक्स कार्ड होते हैं आपके पास चार सूट्स होते हैं हर सूट में एक सिक्स कार्ड होता है तो फोर सिक्स कार्ड होंगे और फोर ही आपके पास जैक होंगे तो फोर प्लस फोर टोटल आपके पास सिक्स कार्ड और जैक कार्ड होगा फोर प्लस फोर एट और इसको आपने डिवाइड किया फिफ्टी वन से क्योंकि आप पहले एक कार्ड ड्रॉ कर चुके हैं विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्ड फिफ्टी टू है तो ये तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई उसके बाद फिर अब अगर आप तीसरा कार्ड ड्रॉ करते हैं गिवन दैट ए वन एंड ए टू हैजन और आप कार्ड्स को रिप्लेस नहीं कर रहे तो कंडीशनल कंडीशन सेक्शन ए टू तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो जो है ये अच्छा आपके पास क्या था कि जो थर्ड कार्ड है वो ग्रेटर देन हो बट लेस देन नाइन हो तो कौन कौन से कार्ड आपके पास होते हैं जो ग्रेटर देन फोर होते हैं एक तो फाइव होता, होता है आपके पास सिक्स होता है आपके पास सेवन होता है आपके पास और एट होगा लेस देन नाइन तो नाइन इसमें शामिल नहीं है तो ये फोर आपके पास कार्ड्स हैं किसी भी सूट के अंदर जो ग्रेटर देन फोर और लेस देन हो क्योंकि चार सूट हैं तो टोटल कितने ऐसे कार्ड कार्ड होंगे होंगे जो जो ग्रेटर देन देन लेस तो तो इन 16 को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्पेस है 50, तो फिर इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया तो ये हमारे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई सही है अच्छा अब आज हम फिर मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का हम स्टडी कर चुके ऐसे इवेंट जिनके जिनके अंदर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता यानी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है और, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के बराबर होती है तो सिंपली इसमें जब हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट रूल में ये जो चीज है प्रोडक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट ए अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए है ये सिंपली अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमारे पास क्या uh, क्या चीज होती है उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी uh, है वो उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है उनके प्रोडक्ट के बराबर होती है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होता है अगर हमें चेक करना हो कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो हम यही फार्मूला यूज करके चेक करते हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं अगर वो बराबर है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है वरना डिपेंडेंट है तो अब इसमें नोट आपको बता रहा हूँ इफ अब दो चीजें आपके पास है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो और दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो दोनों को आपने अलग अलग रखना है मिक्स नहीं करना दोनों का मतलब अलग है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे इवेंट्स होते हैं ऐसे इवेंट्स होते हैं जो डिसज्वाइंट हो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो जो एक साथ हैपन नहीं हो सकते उनमें से एक वक्त में कोई एक ही इवेंट हो सकता है दूसरा है नहीं हो सकता तो इसलिए वो डिसज्वाइंट होते हैं यानी उनमें ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो नल सेट होता है और आपको पता है जो नल सेट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है जीरो इम्पॉसिबल इवेंट है तो अगर दो इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिस्जॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन नल होगा फिर उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो जीरो होगी अच्छा और अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं है कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो ठीक है ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना अलग चीज़ है इंडिपेंडेंट होना अलग चीज़ है तो अगर दो इवेंट्स आपके पास इंडिपेंडेंट है तो फिर उनमें जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी नल सेट के बराबर नहीं होगी बल्कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी है वो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होगी ठीक है तो ये दोनों में फर्क जो है जहन में रखिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग चीज़ है और इंडिपेंडेंट होना अलग चीज है ठीक है अच्छा अब आ जाइए आप रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की एक एप्लीकेशन है आपके पास रिलायबिलिटी एनालिसिस में ये कि आपके पास अगर कोई सर्किट है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो उनके काम करने की कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटीज होते हैं तो अगर एक कंपोनेंट वर्क करता है उसके जो चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए कंपोनेंट वर्क उस, उससे पता चलता है वो कंपोनेंट कितना रिलायबल है आपने एक मशीन खरीदी है तो उसके रिलायबिलिटी का मतलब है कि इस मशीन के काम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर वो मशीन के काम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा रिलायबल होगी अब ये नहीं कह सकते कि आपने मशीन खरीदी है तो वो हंड्रेड परसेंट काम करेगी बाजू बात उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आ सकता है कोई दूसरा फॉल्ट आ सकता है हमारी होप यही होती है कि वो लाजमन काम करेगी लेकिन हो सकता है वो कुछ अरसे काम अगर करे तो शुरू में उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी लेकिन जैसे जैसे वो यूज करेंगे उसकी रिलायबिलिटी कम होती जाएगी तो किसी भी गिवन टाइम पर किसी भी कंपोनेंट की जो आ, काम करने की प्रोबेबिलिटी है वो उससे पता चलता है वो कंपोनेंट कितना रिलायबल है उसको हम उसकी रिलायबिलिटी कहते हैं तो द रिलायबिलिटी ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क्स ठीक है रिलायबिलिटी ऑफ योर कार इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट योर कार रन्स ठीक है ना तो वो काम करे चले तो वो उसकी रिलायबिलिटी है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो जरूरी नहीं कि वो हमेशा चले वन वन नहीं होगी वन से कम होगी यहाँ ज्यादा हो, हाँ, हो सकती है अगर आपने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है एटी परसेंट नाइन परसेंट होगी इसका हर कंपोनेंट के साथ होता है परफेक्शन तो आपके पास किसी भी में 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 भी चीज चीज आप नई फैक्ट्री से खरीदेंगे उसमें भी खराब होने के चांसेस होंगे ठीक है ना तो वो लेकिन वो जितने ज्यादा एटी नाइनटी तो वो उतने ज्यादा रिलायबल होगी तो अब हम जैसे एक रिलायबल एनालिसिस का क्वेश्चन करते हैं आपके बुक का टू पॉइंट नाइन टू ये आपको एक डायग्राम दी हुए इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और हर कंपनी ए बी सी डी और हर कंपोनेंट की जो रिलायबल रिलायबिलिटी है यानी जो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी हुई है तो इनके अंदर सबसे ज्यादा रिलायबल कंपोनेंट है क्योंकि इसकी काम करने की प्रोबेबिलिटी या रिलायबिलिटी 95 फाइव परसेंट है पॉइंट नाइन फाइव है तो अब एज्यूम कंपोनेंट फेल्स इंडिपेंडेंटली अब ये इंपॉर्टेंट चीज है अगर कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो

इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है सिंपली ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो जनरली जो भी आपके पास सिस्टम होते हैं जो सिंपल सिस्टम होते हैं उनमें ऐसे ही होता है लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं उसमें ऐसा होता है कि एक कंपोनेंट अगर फेल हो तो उससे दूसरे कम्पोनेंट भी मुतासर होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम ये सिंपल फार्मूला यूज कर लें तो उसके लिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला ही केस यूज करना पड़ेगा लेकिन यहाँ भी इंडिपेंडेंट आपको बता रहे कि जो द कम्पोनेंट फेल्स इंडिपेंडेंटली तो इसलिए हम जो इंडिपेंडेंट वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो अब इसमें आ जाए अब इसमें ये बता रहे हैं कि आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपका जो सिस्टम है वो वर्क करे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आए हुई दिस सिस्टम वर्क इसकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम करिए जो पूरा सिस्टम है जो इन चार कम्पोनेट्स पर मुश्तमिल है तो ये कब काम करेगा ये उस वक्त काम करेगा जब इसमें क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं जो बी और सी है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि कोई एक कंपोनेंट भी काम करे जैसे आप करंट फ्लो करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो अगर कोई एक कंपोनेंट काम कर रहा होगा तो करंट जो है वहां से फ्लो करेगा तो वो आपका जो सिस्टम है वर्क करेगा लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट को एक ही रास्ता मिलता है तो अगर जैसे स्विचिज होते हैं आपके पास एक सीरीज में कोई एक स्विच भी ओपन है तो करंट उसमें से फ्लो नहीं करेगा लेकिन अगर स्विचेस पैरेलल है कोई एक स्विच भी क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा तो जो पैरेलल है आपके पास वो इधर और है तो उसमें यूनियन इस्तेमाल होगा और जो आपके पास सीरीज में है वो जब दोनों काम करेंगे तो फिर वो काम करेगा जो सीरीज में सब हो तो उसमें इंटरसेक्शन इस्तेमाल होगा तो सर्किट डायग्राम में जो सीरीज आपके पास कंबिनेशन होती है वो सेट थ्योरी में एंड में ट्रांसलेट होती है जो पैरेलल कम्बिनेशन होती है वो यूनियन में ट्रांसलेट होती है ठीक है तो अब सिस्टम कब काम करेगा इसमें सिस्टम उस वक्त काम करेगा जब ए काम करे एंड या तो बी काम करे और सी काम करे क्योंकि ये पैरेलल है और एंड और डी काम करे तो आपका सिस्टम उस वक्त काम करेगा कि ए काम करे एंड बी या सी में से कोई एक काम करे और डी काम करे या तो ए काम करे बी काम करे और डी काम करे तो सिस्टम काम करेगा या ए काम करे सी काम करे और डी काम करे तो सिस्टम काम करेगा बी और सी में से कोई एक फेल भी हो जाए फिर भी सिस्टम काम करेगा हाँ अगर ये दोनों फेल हो जाए तो फिर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा ठीक है तो ये समझ गया कि जो जो सिस्टम की डायग्राम है उससे आप लिख लेंगे कि इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन की फॉर्म में सिस्टम के काम करने की जो प्रोबेबिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स वो इंटरसेक्शन हो रहे हैं यूनियन हो रहा है अगर सीरीज कम्बिनेशन है तो इंटरसेक्शन है पैरेलल कम्बिनेशन है तो यूनियन है जैसे इस सर्किट में ए सीरीज में है विथ द पैरिलल कम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी और फिर वो सीरीज कम्बिनेशन में विध डी तो सीरीज कम्बिनेशन के लिए इंटरसेक्शन है आपके पास और पैरल कम्बिनेशन के लिए यूनियन है और फिर सीरीज कम्बिनेशन आ गई तो फिर इंटरसेक्शन आ गया और ये सारे जो आपके पास है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से अब इसमें सिस्टम वर्क के लिए ले लिया तो ये इस इवेंट के बराबर है तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट दिस्टम वर्क प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्लू तो ये किसके बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस होल थिंग तो अब क्योंकि इंटरसेक्शन है और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी इसको सेपरेट कर सकते हैं uh, तो ये प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ए बी यूनियन सी और फिर उसके बाद आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अच्छा बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह निकालेंगे इस फॉमले से हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं यूनियन की नहीं लिख सकते तो यूनियन को इंटरसेक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके लिए हम डिमोर्गन लॉज यूज करेंगे कि डिबॉर्गन लॉ हम कॉम्प्लीमेंट सारी हम कॉम्प्लीमेंट रूल यूज करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट रूल में क्या कोई भी इवेंट है वन में से माइनस कर दें उसके कॉम्प्लीमेंट तो उसकी प्रोबेबिलिटी है तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी है बी यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी को अगर आप वन में से माइनस कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट रूल मैंने यूज किया ठीक है मैंने इसलिए यूज किया ताकि मैं इस प्रोबेबिलिटी को भी इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख दूँ अब मैं ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको मैं इंटरसेक्शन के फॉर्म में किस तरह लिखूंगा यहां पर जो है मैंने कौन सा लॉ यूज किया यहां पर मैंने यूज किया डी डिमोर्गन लॉ मॉर्गन लॉ के मुताबिक डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है आपको कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लीमेंट है यूनियन इंटरसेक्शन का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट जो है बाई यूजिंग डी मॉर्गन लॉ प्रोबेबिलिटी बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हो गया बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी सी कॉम्प्लीमेंट तो ये बराबर हो गया वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट अब क्योंकि बी और सी इंडिपेंडेंट है अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे ठीक है अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे इसको आप प्रूफ कर सकते हैं तो मैं हो सकता आपको किसी असाइनमेंट में ये दू तो क्योंकि बी और सी इंडिपेंडेंट है तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है तो इनका जो इंटरसेक्शन है उस पर हम जो है ये फॉर्मुला यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले यानी इंटरसेक्शन ये जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है इसमें हम तोड़ सकते हैं इसको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट तो ये जो रूल है इसको मैंने यूज किया है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है ठीक है तो अब ये बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कहां से आएगी हमें बी और सी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है लिखी हुई है बी के काम करने की प्रोबेबिलिटी पॉइंट है सी के काम करने की प्रोबेबिलिटी इसके रिलायबिलिटी पॉइंट है तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट रूल से निकाल लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट रूल के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है पॉइंट तो ये पॉइंट हो गई इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट के सी काम नहीं करे सी के काम करने की प्रोबेबिलिटी पॉइंट है तो काम नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट रूल के, के मुताबिक पॉइंट है तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आपको दी हुई है प्रोबेबिलिटी दट ए वर्क आपके पास पॉइंट नाइन वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट रूट से निकाली पॉइंट थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ सी